नमस्कार, आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं पोंचू लेकर आई हूँ जो कि देखने में बहुत सुंदर है। देखो, जुपर उसकी कैप है जो हम बटन लगा देंगे दो। ये देखो, ये 2 से 3 साल के बच्चे का है। ऊपर से शुरू होता है, नीचे से तरफ जाता है। आप चाहे तो ऊपर यहाँ भी आप जाली डाल के डोरी भी डाल सकते हो। मैंने डोरी नहीं डाली, मैंने वैसे बनाया है। आप मैंने सीधी सीधी सिलाइयाँ चढ़ाई हैं। आप चाहे तो सीधा उल्टा बॉर्डर बना सकते हो और नीचे भी बॉर्डर बना सकते हो। मैंने नीचे फ्रिल बनाई है। आप चाहे तो एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बना सकते हो, जहाँ भी सीधा उल्टा, जहाँ भी और जहाँ भी, जैसे भी आप चाहें। मैंने सीधी सीधी सिलाइयाँ चढ़ा के सीधा उल्टा बुना है, बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से बनाया मैंने। ये देखो, चलो आपको बनाना सिखाते हैं कैसे बनाना है। स्टार्ट करते हैं। 80 फंदे मैंने डाल लिए। 80 फंदे डाल के मैंने 1 2 3 4 8 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी की बना ली और जहाँ मैंने एक बटन होल किया। ये देखो, अब आगे क्या करना, ये देखो। दो तीन चार और पाँच, 5 फंदे मैंने बटन पट्टी के रखे हैं। फिर फंदा हमने बढ़ाना है, एक ऐसे नहीं बढ़ाना, ऐसे बढ़ाना। ऐसे हम 30 फंदे बुन लेंगे। एक फंदा बढ़ गया हमारा, अब हमने 30 फंदे ऐसे बुनने हैं। तेरह 14, 15, 18, 20। ये देखो, या हमने फिर एक फंदा बढ़ाना है ऐसे, फिर 10 फंदे बुनने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर फंदा हमने बढ़ाना है ऐसे, फिर 30 फंदे बुनने। इधर भी हमने 5 फंदे ऐसे, फिर एक फंदा बढ़ा लेना। 5 फंदे बटन पट्टी के हैं। 1 2 3 4 और 5, उल्टी सिलाई। पहले तो 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। एक दो तीन चार पाँच, फिर धागा आगे करके हमने उल्टा बुनना है, उल्टी सिलाई। इसको हमने ऐसा नहीं बनना, बटन होल नहीं बनाना, जाली नहीं डालनी, इसको हम ऐसे बनाएंगे ऐसे।
फंदा हमने अब बढ़ा लिया, पर लेकिन हर सिलाई में आप ऐसे ही बुनते जाओगे। ये देखो फंदा बढ़ गया पर लेकिन नजर नहीं आ रहा। जड़े बीच वाले 10 फंदे हमारे बीच वाले हैं ना, उसमें तो नहीं फंदे बड़े नजर आएंगे, जो साइडों में फंदे बढ़ेंगे वो 10 फंदे हमने आराम से वैसे ही बनाने हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ये फंदा फिर आ गया हमारा, ये वाला इसे ऐसे बुनना। ये फिर आ गया, ऐसे नहीं बुनना, ऐसे बुनना। ये देखो ये फंदा फिर आ गया, ठीक है, ऐसे नहीं बुनना, ऐसे बुनना। ये 5 फंदे हमारे सीधे बुनने हमने बटन पट्टी के। सीधी सिलाई, पहले 5 फंदे हमारे सीधे, फिर धागा ऐसे करके हमने फंदा बढ़ाना है हर सिलाई में। हमारे 1, 2, 3, 4 फंदे हर सिलाई में बढ़ेंगे। ये देखो जहाँ फिर फंदा हमने ऐसे करके बढ़ाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्योंकि हमारे 10 फंदे ये वाले बीच में ऐसे रहेंगे, ये वाले, बाकी फंदे हमारे इधर उधर बढ़ते जाएंगे, फिर फंदा हमने बढ़ाना है ऐसे करके। उल्टी सिलाई में आपने पूरी उल्टी बुननी है, पर इधर दोनों पासे 5-5 फंदे हमने सीधे सीधे बुनने। वो आप कोई बॉर्डर बुन सकते हो, सीधा उल्टा बुन सकते हो, जो आपकी इच्छा हो।
ये देखो, यहाँ फिर हमने ऐसे करके फंदा बढ़ाना है। ये हमारे 5 फंदे बटन पट्टी के हैं, उल्टी सिलाई। पहले 5 फंदे तो हम सीधे ही बुनेंगे। उल्टा ये देख, ऐसे नहीं बुनना इसको, ऐसे उल्टा ऐसे। अब थारा थोड़ा सा बना लो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। इधर 5 फंदे हमने सीधे बुनने, इधर ही 5 फंदे सीधे बुनने। एक फंदा यहाँ बढ़ना अपना, 2 फंदे बीच में बढ़ने, एक फंदा जहाँ से बढ़ना। इतना थोड़ा सा बना लो, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो इतना मैंने बना लिया, ये देखो पीछे वाला हिस्सा और ये आगे वाला, ये देखो दो मैंने बटन होल बनाए। अब क्या करना है, अब ये आपके पास ऐसी सिलाई नहीं है तो आप गले वाली सिलाइयाँ भी बना सकते हो, जो दोनों पासे उसके ये ऐसे होते तीखे तीखे गले की सिलाइयाँ जो बनाते हैं, गला बनाते हैं हम गोल, उसके लिए। अब हमने क्या करना, एक दो तीन चार और पांच, ये 5 फंदे हमने इस फंदे 5 फंदे हमने ऐसे बंद कर देने, क्योंकि हमारी बटन पट्टी है ना, ये देखो ऐसे ऊपर। अब हमने गोल गोल बुनना है, इसकी कोई सिलाई नहीं करनी, ये देखो। एक जगह दो दो फंदे बंद कर लेंगे, एक फंदा हमने ये भी सिंपल बुन लेना और पीछे वाला भी सिंपल, सारे फंदे नहीं बंद करने, ये वाला भी। फिर हमने 2 फंदे फिर हमने ऐसे बुन लेने, ये देखो 1 2 3 4 5 6 फंदे हो गए। 5 5 10 फंदे थे ना हमारे, 10ों में हमने 4 फंदे बंद कर दिए और 6 फंदे रह गए। अब फिर वैसे ही जैसे जाली जाली नहीं बनानी, वैसे फंदा बढ़ाना। अब हमने गोल गोल बुनना है, ये पटन पट्टी ऊपर आ गई ऐसे। ये देखो फिर आ गया ये पीछे वाला हिस्सा का, आज देखो फिर फंदा हमने ऐसे ही बढ़ाना है। जितना बड़ा आपने बनाना उतने फंदे आप बढ़ाते जाना ये देखो, यहाँ फिर ये देखो यहाँ आ गए। अब फंदा फिर हमने बढ़ाना है, अब हमारी उल्टी सिलाई कोई नहीं आनी, सब सीधी सीधी सिलाइयाँ ही आएंगी, ये देखो। अब ये फंदा हमने जो बढ़ाया था ना, इसको हमने इस तरह बुनना, क्योंकि तो हमने कोई सिलाई नहीं करनी, इसलिए पूरा गोल गोल बनेगा।
मेरे को फिर आ गया। एक सिलाई में हमने फंदा बढ़ाना, एक सिलाई सिंपल हम डालेंगे, क्योंकि उल्टी सिलाई हमें डालनी नहीं ना आगे, सीधी सीधी डालनी है। ऐसे आप अब यहाँ फिर फंदा हमने बढ़ाना है। एक सिलाई हमने फंदे बढ़ा के बुननी है, दूसरी सिंपल बुन लेनी है, क्योंकि वो फंदा बढ़ा हुआ बुनना ना, तो अब फिर फंदा बढ़ाएंगे ऐसे ही, ऐसे थोड़ा करके आपको थोड़ा बुनाकर मैं दिखाती हूँ फिर। हाँ जी, देखो दोनों पास यहाँ फंदे बढ़ने शुरू हो गए। या 10 फंदे थे हमारे, वैसे 6 रह गए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमने 4 फंदे बंद कर दिए बटन पट्टी के हिसाब से। ऐसे थोड़ा बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। देखो इतना बन गया, अब नीचे हमने थोड़ी सी डिज़ाइन, आपने चाहे तो बॉर्डर बना सकते हो सीधा उल्टा, यहाँ भी सीधा उल्टा बना सकते हो, जो पट्टी बटन पट्टी भी सीधा उल्टे बना सकते हो, अपनी मर्जी है आपकी। मैंने नहीं बनाई, मैंने सीधी सीधी सिलाइयाँ चढ़ाई। नीचे भी आप सीधा उल्टा डाल सकते हो, लेकिन मैंने ये देखो बीच बीच में फंदे जो बड़े थे देखो ऐसे बन गए पीछे भी। अब मैं छोटी सी फ्रिल बनाने जा रही हूँ यहाँ, वो कैसे बनानी है ये देखो। एक दो तीन चार, चार उल्टे धागा पीछे, एक सीधा, धागा पीछे रहने देना, फिर आपने चार उल्टे बना लेने। एक दो तीन चार, धागा पीछे, एक सीधा, एक दो तीन चार, धागा आगे, धागा पीछे, एक सीधा, धागा पीछे रहने देना, एक दो तीन और चार, धागा पीछे, एक सीधा, धागा पीछे रखना, एक दो तीन चार, धागा पीछे, एक सीधा, पीछे धागा रखना, जाली डलगी साथ में ही, एक दो तीन और चार, धागा पीछे, एक सीधा, धागा पीछे रखना, एक दो तीन चार, धागा पीछे, एक सीधा, धागा पीछे रखना, चार उल्टे। एक दो तीन और चार, फिर एक सीधा,
ये देखो उल्टी सिलाई जो आती है ना वो भी हमने ऐसे ही बनानी है, चार उल्टे जो हमने फंदा बढ़ाया था, एक सीधा ये हो गया, एक सीधा ये वाला हो गया जो फंदा बढ़ाया था वो भी सीधा ही बुनना, फिर चार फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा ये वाला, एक हमने जड़ा बढ़ाया था वो वाला दो, फिर चार उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा और एक और जड़ा बढ़ाया था वो सीधा, दो सीधे हो गए। अब हमने जाली डाल डाल के जो चार फंदे उल्टे हैं वो तो उल्टे ही रहेंगे, जो सीधे फंदे हैं वो बढ़ते जाएंगे, एक दो तीन चार, धागा पीछे, एक सीधा और एक सीधा, दो सीधे हो गए। एक वाली हमने बढ़ा ली है, दूसरी वाली हमने सिंपल बुन के यहाँ से हमने शुरू किया था और जहाँ आके फिर हमने जाली डालनी है, क्योंकि हमारा गोल बुन रहे हैं ना हम। एक बारी हमने फंदा जाली डाल ली, दूसरा हम सिंपल बुन के फिर आएंगे, फिर जहाँ से जाली शुरू करेंगे। ऐसे आप पूरा बना लो, एक सीधा और एक ये सीधा, चार उल्टे। ऐसे आप पूरी रो खत्म कर लो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ से हमने शुरू किया था, वापस आ गए वहाँ ही। अब हमने उल्टे बुन के फिर हमारे आगे एक सीधा था, अब हमने दो सीधे बुनने, एक दो, धागा पीछे रखना और फिर जाली, चार उल्टे आ जाएंगे, फिर एक सीधा, दो सीधे यहाँ से, फिर एक दो तीन और चार, फिर दो सीधे, एक दो तीन और चार, बस आगे अब हमारे एक सीधा बुनते थे, अब हमने दो सीधे बुन के फिर जाली डालनी। देखो एक बारी हमने पहला जाली डाल ली, दूसरी तरफ सिंपल बुन लिया और फिर तीसरी बार फिर जाली डाल ली। अब ऐसे बनाकर यहाँ से हम शुरू करते हैं, जहाँ ही अपने एंड करना आके, ऐसे आपने जितनी जाली डालने डाल लो, मैं डाल के आपको दिखाती हूँ पूरा बनाकर। ये देखो बन गया और मैंने ऐसे बंद कर दिया। ऐसे पूरा अब इसको हम सुई की सहायता से इसको आप अटैच कर देंगे, ऐसे ठीक कर देंगे, धागा अंदर निकालेंगे। ये देखो आपको दिखाती हूँ कैसा बना। आप चाहो तो सीधा उल्टा बॉर्डर बना सकते हैं, एक सीधा एक उल्टा फंदा,
अब नीचे भी सीधा एक उल्टा कर सकते हैं। मैंने वैसे फ्रिल बनाई है, बच्चों के फ्रिल से अच्छी लगती है, थोड़ी डाली हुई। पूरा बन गया। अब हम बनाएंगे इसकी कैप। ये देखो, यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। ऐसे आप पूरे फंदे उठा लो। फिर आगे आपको बताती हूँ। ये देखो, मैंने 80 फंदे उठाए थे। 80 फंदे उठा के मैंने दो सिलाई सीधी उल्टी की डाल ली। पहले 5 फंदे हमने बटन पट्टी डिजाइन नीचे बनाई थी ना, ऐसे ऊपर बनाएंगे। 5 फंदे हम दोनों तरफ रख लेंगे। देखो, 5 5 फंदे। अब क्या करना है, जो 5 फंदे सीधे, बाकी सीधे उल्टे, धागा आगे करके एक जाली डाल लेंगे। फंदे बढ़ाने हैं हमने, जो कैप बना रहे हैं थोड़ी सी कैप खुली अच्छी लगती है। दोनों तरफ से हम जाली डाल लेंगे, फंदा बढ़ाते जाएंगे। उल्टी सिलाई, 5 5 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, बाकी सारे उल्टे। फंदे मैंने उठाए हैं, नीचे भी 80 थे, ऊपर भी 80 फंदे उठाए। ये देखो, यहाँ फिर हमने आगे धागा करके एक जाली डाल लेंगे। 5 फंदे हमारे सीधे, उल्टी सिलाई, पहले 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने। एक दो तीन चार पाँच, फिर उल्टे, सारे सारी सिलाई उल्टी। ऐसे आप पूरा बना लो। दोनों तरफ से एक फंदा बढ़ाते जाओ और 5 5 फंदे हमारे सीधे सीधे आ जाएंगे। ये देखो, देखो मैंने कैप बना ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 80 फंदे थे, मैंने 100 फंदे कर लिए। 100 फंदे करके मैंने बिल्कुल सिंपल बना लिया। ऊपर मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया, ये देखो ऊपर सिंपल आया, नीचे मैंने डाली डाल ली है। आपने आगे नहीं फंदे बढ़ाने हैं तो आप सेंटर में भी बढ़ा सकते हो। यहाँ सेंटर में भी आप बढ़ा के तो आप बना सकते हो। कई यहाँ से बढ़ाते हैं, कई यहाँ से बनाते हैं। और आप बिल्कुल सिंपल बना के मैंने अब आधे आधे कर लिए। अब हम इसको बंद कर देंगे। सिंपल जैसे हम बंद करते हैं, एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से। एक किधर से, एक किधर से, दोनों तरफ 25 25 फंदे, 50 50 फंदे हमारे आ गए। ऐसे पूरा आप ऐसे बंद कर लो। Thank you.
ये देखो ऐसे आ जाएगा। आप चाहे तो जहाँ डोरी डाल के वैसे कोई डिज़ाइन बना के कुछ डाल सकते हो, सिंपल रखनी सिंपल भी रख सकते हो, डोरी बनाकर ऐसे डालो तो अभी अच्छा लगेगा। चलो आपको बना के मैं दिखाती हूँ। ये देखो पूरा बन गया। ये धागे हम सुई के साथ सारे अंदर कर देंगे। ये देखो यहाँ बटन लग जाएंगे। आपने बड़ा बनाना हो तो आप ये जो हमने साइड में फंदे बढ़ाए थे और बढ़ा सकते हो, और अपना थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये दो तीन साल के बच्चे का है, 2-3 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।